सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स की श्रृंखला में आपका स्वागत है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी ग्रुप थ्योरी की। व्हाट इज ग्रुप, ग्रुप क्या होता है, इसके बारे में हमने बात की थी। आप चाहें तो वो वीडियो हमारा देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। देखिए ग्रुप्स जो है कुछ थ्योरम्स वहां पर हम प्रूव करेंगे, टफ तो नहीं हम कहेंगे उसको, लेकिन हाँ थोड़ा सा टेक्निकल ये है कि आपको सोचना पड़ेगा। देखिए जैसे आप बुक से आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे इसमें तो यही प्रूफ है, इसमें क्या है, लेकिन जैसे बुक बंद प्रूफ बंद दिमाग बंद। तो इसलिए सबसे पहले लॉजिक ये लगाना है कि ये थ्योरम ऐसे ही क्यों प्रूफ हो रही है, इसमें क्यों ऐसा किया जा रहा है। ठीक, थोड़ा लॉजिकल है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, सबसे पहली थ्योरम है यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। थ्योरम वन आती है यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, पहले यूनिकनेस का मतलब समझिएगा। हमने ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट बढ़ाए हैं, क्या होते हैं ये आप देख लीजिएगा, बार बार उस चीज को रिपीट करना ठीक बात नहीं है वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए जब भी कोई चीज यूनिक प्रूफ करनी, जैसे मैं हूं, मैं एक मैथ्स टीचर, आपने कहा ही इज अ वेरी यूनिक पर्सन, आप यूनिक मतलब आप जैसे भी यूनिक आप सुनते तो उसको प्रूफ करने का तरीका क्या होगा। देखिए सबसे पहले ऐसे दो व्यक्ति मान लीजिए जो हम जैसे हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, तो आप उसमें कई बार देखो ये जो व्यक्ति है ना इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी जो इसमें ना हो, यूनिकनेस वो आइडेंटिटी वाली, और फिर इसमें ऐसी प्रॉपर्टी जो इसमें ना हो, फिर आप कहेंगे दोनों कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो दोनों अलग अलग ना होकर के एक ही है, वो यूनिकनेस का मतलब होता है। तो हम क्या करेंगे, प्रूफ ये करना है कि द आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि आपको प्रूफ करना है द आइडेंटिटी एलिमेंट, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी बाइनरी इज यूनिक। जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है, मतलब दो नहीं होते, एक ही आइडेंटिटी होगा। लेकिन यहां पर कंट्राडिक्शन रूल हम लगाएंगे, हम मान लेंगे कि भाई सपोज करिएगा दो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो देखिए प्रूफ करने का तरीका क्या होता है। जब भी यूनिकनेस की बात आए, यूनिक की बात आए, तो वहां पर दो चीजें आपको माननी पड़ेगी, चाहे यूनिक सोल्यूशन हो चाहे जो भी यूनिक हो। ठीक है, हम मान लेंगे कि लेट अ ग्रुप जी बाइनरी का मतलब ये सेट जी है, बाइनरी ऑपरेशन पे काम करता है, वो चाहे प्लस हो चाहे इनटू हो, अ ग्रुप जी बाइनरी हैज टू आइडेंटिटीज इवन एंड इक्वल। हमने कहा दो आइडेंटिटीज इवन और इक्वल। आपको आइडेंटिटी के लिए बताया गया था कि किसी भी एलिमेंट के साथ अगर बाइनरी ऑपरेशन के तहत ये आइडेंटिटी ऑपरेट करता है तो ये वैल्यू चेंज नहीं यही रहता। जैसे आपको प्लस के लिए हमने बताया था आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता है, तो किसी भी नंबर के साथ अगर प्लस जीरो हो जाएगा तो नंबर चेंज नहीं होगा। तो प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है जिस पर उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एड किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम कहेंगे देखो भैया मान लेते हैं इवन एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, सपोज इवन इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट मान लेते हैं, सिंस इवन इज आइडेंटिटी एलिमेंट मैं इवन को आइडेंटिटी एलिमेंट मान लेता हूं, इटू को नहीं भी मानता, इवन को मानो, तो इसका मतलब क्या होगा। सो अगर इवन को बाइनरी ऑपरेशन करें E2 के साथ तो आपको क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे भैया E2 मिलेगा, और ये उल्टा भी हो सकता है E2 को करें बाइनरी ऑपरेशन इवन के साथ तो E2 मिलेगा, बात बराबर है, क्योंकि आप जानते हैं इवन आइडेंटिटी एलिमेंट यहां पर, अभी E2 की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा दोबारा, एज E2 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, सर राइटिंग गड़बड़ है तो एडजस्ट कर लीजिएगा, तो मैथमेटिक्स है, तो इसका मतलब E2 अगर इवन के साथ ऑपरेट करेगा, मतलब E2 बाइनरी इवन करेंगे तब भी इवन आएगा, या इवन
बाइनरी ई टू करेंगे तभी ईवन आएगा, क्योंकि ई टू क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। जरा इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये वैल्यू यही चीज यहां लिखी हुई है, ये किसके इक्वल है, ई टू के, और ये किसके इक्वल है, ईवन के। अगर दोनों को ध्यान से देखें तो हम क्या कहेंगे कि भैया ये चीज ईवन के इक्वल है, ये चीज ई टू के इक्वल है, सॉरी ये चीज ई टू भी है, यही चीज ईवन भी है। तो इसका मतलब ईवन के साथ ऑपरेट करें तभी रिजल्ट वही आ रहा है, और ई टू के साथ ऑपरेट करें तभी रिजल्ट वही आएगा। तो दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग इक्वेशन वाले इन टू करिए, इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड टू। जब आप इक्वेट करेंगे तो क्या रिजल्ट आपको दिख रहा है, रिजल्ट ये दिख रहा है कि ईवन इज इक्वल टू ईवन बाइनरी ई टू इज इक्वल टू ई टू इज इक्वल टू ई टू बाइनरी ईवन, यानी कि ईवन इज इक्वल टू ई टू। तो एक्चुअली में आपने क्या कहा कि जो दो बाइनरी हमने माने थे ना, तो एक्चुअली में दो बाइनरी नहीं है, दे बोथ आर सेम, ये सेम है। तो दिस इज द थ्योरम यूनिकनेस ऑफ दैट आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो दिस बात करने जा रहे हैं कैंसिलेशन लॉ की, एक थ्योरम है, नेक्स्ट में थ्योरम नंबर टू कह सकते हैं आप, थ्योरम टू ही है कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है, देखिए बहुत बड़ा लॉ नहीं है, नाम से लग रहा है ग्रेजुएशन में कैंसिलेशन लॉ, ये हम बहुत बचपन से करते आ रहे हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं कि 2x is equal to 2i है तो 2 2 कैंसिल हो जाता है, हो गया कैंसिलेशन लॉ, यही कैंसिलेशन लॉ है। बोले अरे बिना लॉ के कैंसिल कर रहे हैं, अभी कैंसिल करने के लिए लॉ बनाएंगे, जी हाँ थोड़ा सा टेक्निक है, 2x is equal to y into 2 है तो 2 नियमता कैंसिल नहीं कर सकते, पहले 2 को इधर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हम बताने जा रहे हैं, थ्योरम है, जैसा कि हमने बताया कि थ्योरम को पहले दिमाग ये लगाना है, थ्योरम प्रूफ कैसे की जाए, हाउ टू प्रूव द थ्योरम, व्हाई वी प्रूव दिस थ्योरम लाइक दिस, जिस मेथड से क्यों कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। देखिए हमने कहा अगर मैं मान लूं कि ए बी सी तीन एलिमेंट है किसी ग्रुप जी बाइनरी के, और ए बाइनरी सी इज इक्वल टू ए बी बाइनरी सी, तो सी और सी देखिए ये राइट साइड में सी है, ये राइट साइड में सी है, तो सी कैंसिल हो जाएगा और दिस बिकम ए इज इक्वल टू बी, और अगर सी बाइनरी ए इज इक्वल टू सी बाइनरी बी है तो लेफ्ट के सी कैंसिल हो जाएंगे और उधर ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है, ठीक है। अब इसको प्रूफ कर लिया, देखिए हमने जैसा बताया कि कहीं कहीं पर केवल लिखा होगा ए सी इज इक्वल टू बी सी इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी, वो पहले से मान लेते हैं कि यहां पर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लीकेशन का है, ये आप मान सकते हैं, आप बाइनरी मत लगाइए, लेकिन नियम ये है कि वही बाइनरी लगा दीजिए, बेचारा बड़ी मुश्किल से बाइनरी ने नाम पाया है बाइनरी, और उसको भी लगाओगे नहीं तो गुस्सा जाएगा, तो बाइनरी लगा दीजिए, ठीक है। देखिए ना सावधान, पहले पहला पार्ट हम प्रूफ करने जा रहे हैं, ए बाइनरी सी इज इक्वल टू बी बाइनरी सी। देखो दिमाग ये लगाना है कि ए इक्वल टू बी कहां से आएगा, आप जानते हैं सी को कैंसिल करना है, सी को कैंसिल करने का सबसे बढ़िया तरीका है, 2 को कैंसिल करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर, तो अपने आप आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि यहां पर हम मल्टीप्लीकेशन ही लेके चल रहे हैं 90%, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इसके राइट साइड में सी इनवर्स से ऑपरेट कर देता हूं, मतलब इसको हम कर दें ए बाइंडी सी इनवर्स इधर भी कर दिया, और बी बाइंडी सी इनवर्स कर सकते हैं, सेम चीज का ऑपरेशन आप दोनों साइड में कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अगर इसके राइट में किया तो इसके भी राइट में किया, तो आप कहेंगे उसके राइट में क्यों किया, क्योंकि राइट में सी इनवर्स है और हमको सी इनवर्स में एक तीर डालना है, उसी को मारना है, अब हमको सी और सी इनवर्स को एक साथ लेना पड़ेगा, तो आप जानते हैं कि आप ए बाइनरी अलग कर सकते हैं, सी बाइनरी सी इनवर्स एक साथ लिख सकते हैं, और वही यहां भी करते हैं बी बाइनरी सी इनवर्स एक साथ लिख सकते हैं, नियम आपको मालूम है, दिस इज द एसोसिएटिव लॉ, एक ऐसा नियम है एसोसिएटिव लॉ लगा, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए सी बाइनरी सी इनवर्स क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का उसके इनवर्स एलिमेंट के साथ अगर आप बाइनरी ऑपरेशन करते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, यानी कि ये क्या मिल जाएगा, ए बाइनरी ई इज इक्वल टू बी बाइनरी ई, क्यों बी बाइनरी ई, क्यों कि एस सी बाइनरी सी इनवर्स ई होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, और किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिटी के साथ अगर ऑपरेट करते हैं तो क्या बनता है, वही एलिमेंट ए इज इक्वल टू बी, हेंस प्रूफ्ड, हो गया प्रूफ, हो गया काम खत्म। तो दिस इज द लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, सॉरी राइट में है, राइट कैंसिलेशन लॉ, हो गया प्रूफ। अब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कैसे होगा जरा समझें आप,
नेक्स्ट ट्रांसलेशन लॉ आपको पढ़े जा रहे हैं, लेफ्ट ट्रांसलेशन लॉ। देखिए सेकंड पार्ट कैसे प्रूव करेंगे, तो क्योंकि हमको हटाना किसको है, सी को, जिसको हटाना है उसके इनवर्स को बुला लो और उसके साथ बैठा दो, अपने आप उसको मार देगा। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, सी बाइनरी ए इज इक्वल टू सी बाइनरी बी। ध्यान रखिएगा कहीं कहीं पर इसे पहले आपने मल्टीप्लाई किया तो आप लिखेंगे प्री ऑपरेटिंग बाय सी इनवर्स, ऐसे आप लिख सकते हैं प्री ऑपरेटिंग बाय सी इनवर्स, ऐसा लिख सकते हैं। बाद में करेंगे तो पोस्ट ऑपरेटिंग लिखा जाता है, प्री ऑपरेटिंग एंड पोस्ट ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेट करना, ऑपरेट मतलब जो भी बाइनरी सिस्टम है उस बाइनरी सिस्टम के तहत उसको ऑपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सी इनवर्स बाइनरी सी बाइनरी ए एक साथ कर दिया, इज इक्वल टू सी इनवर्स बाइनरी सी बाइनरी बी इधर कर दिया। अब चूंकि सी इनवर्स को कैंसिल करने के लिए सी की जरूरत पड़ेगी तो इसको एक साथ कर दिया, सी इनवर्स बाइनरी सी एक साथ कर दिया, बाइनरी ए अलग कर दिया, सी इनवर्स बाइनरी सी बाइनरी बी, क्योंकि आप कौन सा नियम लगा दिया, एसोसिएटिव लॉ, उस एसोसिएटिव लॉ। कोई भी लॉ लगाएंगे मॉडर्न अलजेब्रा में तो उस लॉ को लिखना जरूरी है कि बाय विच मेथड यू आर अडॉप्टिंग दिस। ये ई होता है ई बाइनरी ए इज इक्वल टू ई बाइनरी बी, क्यों, एस सी इनवर्स बाइनरी सी इज इक्वल टू ई, और ये आप जानते हैं ए इज इक्वल टू बी, दिस इज द प्रूफ, हेंस प्रूफ्ड, दिस राइट कैंसिलेशन लॉ, दिस दैट वाज राइट कैंसिलेशन लॉ एंड दिस इज लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो पहले आपने देखा यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, इधर देखा आपने राइट कैंसिलेशन लॉ, उसके बाद आएगा यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। नेक्स्ट थ्योरम आपकी है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, मतलब हर एक ग्रुप में जो इनवर्स एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है, एक ही इनवर्स होता है। तो पहले तो इनवर्स का मतलब समझिएगा। देखिए हमने बताया था कि अगर आप एडिशन की कोऑपरेशन लेते हैं तो आप जानते हैं एडिटिव आइडेंटिटी होती है जीरो, जिसको योगात्मक प्रतिलोम आप हिंदी पढ़ते हैं, यानी कि टू में क्या प्लस कर दें कि आपको एडिटिव इनवर्स मिल जाए, तो आप कहेंगे माइनस टू कर देंगे, तो माइनस टू टू का एडिटिव इनवर्स है, माइनस टू टू का एडिटिव इनवर्स है। अगर टू में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि आपको एडिटिव आइडेंटिटी सॉरी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए, तो टू का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वन अपॉन टू है। तो बताना यह है कि अगर आप एडिशन की प्रॉपर्टी लेते हैं, ऑपरेशन लेते हैं, सॉरी ऑपरेशन प्रॉपर्टी बोल रहा हूं, अगर आप एडिशन का ऑपरेशन लेते हैं तो उस सेट में चाहे जितने एलिमेंट लें लेकिन इनवर्स हर एक नंबर का यूनिक होगा, टू का माइनस टू ही होगा और कोई नंबर नहीं हो सकता है। तो वही कहना है कि किसी भी ग्रुप में जो आपका इनवर्स एलिमेंट होता है, जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है वैसे इनवर्स एलिमेंट भी यूनिक होता है। जरा समझने की कोशिश करिए। फिर वही बात कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कि यहां पर हम किसी भी एलिमेंट के, जैसे एलिमेंट बोले तो टू, टू के हम दो इनवर्स ले लें, या एक नंबर ए है जिसको ऐड करने पर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, और एक नंबर बी है जिसको ऐड करने पर भी जीरो आ रहा है। आप कहीं दोनों को करने से जीरो आ रहा है, दोनों को इक्वल कर देंगे, बाद में ए और बी को इक्वल कर देंगे, तो आप कहेंगे एक्चुअली ये दो नंबर नहीं है, दोनों सेम नंबर है, दो जो अलग अलग हम मान रहे थे वो अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। वही यहां पर भी करना है कि किसी भी ग्रुप में किसी एलिमेंट का इनवर्स होता है, ग्रुप का इनवर्स नहीं होता, हर एक एलिमेंट का इनवर्स होता है। टू का इनवर्स माइनस टू, थ्री का इनवर्स माइनस थ्री एडिशन के केस में, टू का इनवर्स वन अपॉन टू मल्टीप्लीकेशन के केस में। तो मैं मान लूंगा कि मान लेते हैं कि लेट जी बाइनरी बी ए ग्रुप, जी बाइनरी जो है ग्रुप है, ठीक है, और इसका एक एलिमेंट है ए, उसके दो इनवर्स है, लेट B एंड C आर टू इनवर्सेस ऑफ एलिमेंट A, एलिमेंट A बिलोंग्स टू G, मैंने कहा है दो आइडेंटिटी तो इनवर्स एलिमेंट है। अब देखिए अगर ये इनवर्स एलिमेंट है तो मतलब क्या हुआ कि अगर ये जो इनवर्स है ना ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। मींस अगर बी बाइनरी ए करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ई मिलेगा, या आप ए बाइनरी बी करें तभी ई मिलेगा। ये आप जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट अगर वो किसी अन्य का
इनवर्स एलिमेंट है, तो दोनों को बाइनरी ऑपरेशन करने पर, बाइनरी में कंफ्यूज ना होइएगा, बहुत सारी बुक्स डायरेक्ट ए भी लिख देते हैं, तो उसका मतलब इसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगा है, जो भी उसमें ऑपरेशन हो। बहुत लोग मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन मान लेते हैं, बहुत सारी बुक्स आप देखेंगे तो ए बी लिखा है, वो पहले मान लेते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है, तो आप मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन मान सकते हैं, ऐसा नहीं है, नहीं है वो कोई भी ऑपरेशन सकता है। इसलिए हम बार बार बाइनरी लिख रहे हैं, अगर कहीं पर केवल ए बी लिखा हो तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एंड क्योंकि ए का बी जो है इनवर्स था, आप कह रहे हो भाई ए का जो इनवर्स एक सी भी है, तो इसका मतलब ये हुआ जाकर के कि अगर सी बाइनरी ए करे तभी ई आएगा, या ए बाइनरी सी करे तभी आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, दोनों बातें सेम है, तो इसका मतलब ये रिजल्ट भी ए दे रहा है, ये रिजल्ट भी ए दे रहा है, तो इसका मतलब अगर दोनों को इक्वेट करें, दोनों को कंपेयर करें, तो हम ये कह सकते हैं दोनों इक्वल है। तो बाई इक्वेशन वन एंड टू, बाई इक्वेशन वन एंड टू क्या होगा, बी बाइनरी ए इज इक्वल टू सी बाइनरी ए। आप चाहते हैं दोनों का ए कैंसिल कर सकते हैं, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन ला, सॉरी राइट में राइट कैंसिलेशन ला, तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू सी, ऐसे किया बाई राइट कैंसिलेशन ला, राइट कैंसिलेशन ला, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। अब आपके हिसाब से इसको इक्वल कर दें, कर दीजिए, इसमें ए कैंसिल हो जाएगा तभी बी इक्वल टू सी होगा। आप कहेंगे हम इसको इसके इक्वल कर देंगे, तब बता बेटा क्या होगा, हम पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, मान लिया हम कंपेयर करना चाहते हैं, लेकिन कंपेरिजन में पहले हम लिखेंगे बी बाइंडी ए, फिर हम लिखेंगे ए बाइंडी सी, तो क्या कैंसिल होगा, जी नहीं। देखिए ये इसलिए नहीं कैंसिल होगा कि ये ए जो है ना इसके लेफ्ट में है, ये राइट में, तो पहले इसको राइट में लिखिए, तो ए बाइंडी बी इसको लिख सकते हैं ना, कम्यूटेटिव ला, ए बाइंडी बी को बी बाइंडी ए लिखा जा सकता है, और इज इक्वल टू ए बाइंडी सी, तो ए हट जाएगा तब इक्वल टू सी आएगा, तो हर केस में आना वही है। तो दिस इज द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, इनवर्स यूनिक होता है, ठीक है। तो दिस इज द थ्योरम नंबर, नेक्स्ट नंबर तो डाला नहीं हमने, ओके, नमस्कार।